जिस दिन मैंने मैं माना शुरू किया शहर के अंदर जातियात पर तेरा तेल में रमता है उनको सारा मिल जाए। वो कौन सा मेडिकल वाला है वो सऊदी किसने उसको भेजा था, फिर किसने निकाह किया था, फिर किसने तिलाक किया, फिर किसने हलाला किया, इतना ही काफी है। उसके बहुत आगे जानता हूं पंचायत में कौन कौन था, अगर जातियत की ही बात आई तो इससे ज्यादा मालूमात है और बोल सकता हूं, लेकिन ये तहजीब मुझे नहीं है। मैं तुमको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, आप बदनाम होंगे, शहर और उम्मा बदनाम होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यही अपील है आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे, सियासत मर्दाना करो, मर्द वाली सियासत करो, हम तैयार हैं। और मैं आप यूट्यूब चैनल वाले से कहना चाहता हूँ, शेख आसिफ का इंटरव्यू लेते हैं तो शेख आसिफ के अंदर गिरे बांध के अंदर कितने काले करतूत छुपे हैं, इसकी भी तहकीकात करो माफी के साथ। मतलब किस शख्स के वजह से दो लड़कियों का तिलाक हुआ वो भी शेख आसिफ जानता, वो भी आप यूट्यूब के ऊपर बैठता है। अगर जातियात पे आ गया तो नाम पता है, एड्रेस सब पता है, शहर में रहता हूं, पुलिस को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, पहले शेख आसिफ को मिलती है, ये बात बोल रहा हूं। इसी को टेलर देके छोड़ रहा हूं, इच्छा बताऊंगा भी इलेक्शन में मरक वाली सियासत करो। अल्लाह का करम है, हमने तो किसी का इस्तेमाल करके उनका घर भी खराब किया। पर जी बताना मेरी कालर के ऊपर, मैं सियासत में हूं, मेरे से मुकाबला करो, ये मेरी खानदान भी पूरा करते हो, तैयार है तुम्हारे हर मुकाबला करने के लिए। किरदार के ऊपर कोई बोल नहीं सकता, हमारी खुली किताब है, शेख रशीद साहब भी बोला करते थे हमारी खुली किताब है, और मैं भी बोल रहा हूं हमारी खुली किताब है। उसके बाद एक शहर के अवाम ने 3 मरतबा मेरे बनाया, उन्होंने अंदर हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी होगी, जब हमको बनाया, जब हमको लीडर मानते, जब हमको प्यार करते, जब हमारे लिए खड़े रहते, ऐसे नहीं खड़े रहते। मैं आगरा स्टेशन जाना हुआ मेरा, शाह जाने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, शाहजहां ने मुमताज के लिए याद में खूबसूरत ताजमहल बनाया, पूरी दुनिया उसको देखने आती है, गोरे काले अंग्रेज सब आते हैं, बॉम्बर करने वाले भी वहां जाते हैं। लेकिन जो लोग तीन तीन औरतें करते हैं शाह बानो शाहबानू, तीसरी औरत करने के बाद भी शहर को पता नहीं है, कुछ लोग तीसरी भी कर ले रहे हैं, शहर को पता नहीं और ना जाने किसको किसको पता नहीं है, लेकिन शेख आसिफ को पता है। अरे मुमताज के लिए ताजमहल बनाया उसका नाम शाहबानो है, ये तो बता दो, और इससे आगे कुछ बोलना होगा, अगर उधर से जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा, अभी सिर्फ ये और टेलर देके छोड़ रहा हूं, ये टेलर देके छोड़ो शाहबानो, रात जिम्मेदारी बोल रहा हूं, रात पर नहीं आएगी दोस्तों।
मेरे पास ना आड़ी वाली गाड़ी एमएलए की नहीं है, एमएलए के ताल्लुक से दो मेरी प्यारी प्यारी बहनें बात कर रही है। लेकिन मैं सर नहीं सोच रहा हूँ, बताने मैं फिर रुक रहा हूं और फिर मैं इन लोगों को बोल रहा हूं कि इतने नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, इससे नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, शहर में शहर की बदनामी मत करो। अगर तुम मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर झूठे इल्जाम लगाना बंद नहीं करे, अगर तुम अगर जाति दुश्मनी निकालना बंद नहीं करे, चाहे असेंबली में बोल के चाहे बाहर लेकर देकर, तो याद रखना मुझे मजबूर होना पड़ेगा, आडियो भी निकालूंगा और हमारे गांव से लेकर नेपाल तक कभी मटेरियल जब मैं बाहर निकाला और कुछ यहाँ के सियासी लोगों का मटेरियल अगर मैंने जिस दिन बाहर निकाला, याद रखना कि शहर के अंदर तुम मुंह बताने लायक नहीं हो। मुंह बताने लायक नहीं रहोगे तो इलेक्शन क्या लड़ोगे? सब मेरे पास बैठे, क्योंकि मैं इस शहर का यहां पैदा हुआ, इस शहर से प्यार करता, ये मस्जिद और किनारे शहर को बदनाम नहीं होने देना चाहता, इसके लिए मैं रुक रहा हूं।